हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं ग्रुप सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी में लड़कों और लड़कियों में किसको होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर, लड़कियों को जो है ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा छूट दी जा रही है, क्या उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है बॉयज़ को उसके बदले कम। तो इसी विषय पर हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोगों का जो डाउट क्लियर हो जाए कि ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा जिसे कहते हैं बेनिफिट जिसे कहते हैं हम, कि फ़ायदा जो है किसको होता है ट्रेड टेस्ट में, लड़कियों को होता है कि लड़कों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, सरकारी नौकरी संबंधित कोई भी जब नई अपडेट आती है या फिर कोई भी नया फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ग्रुप सी का जो आपका होने वाला है हावड़ा, जी हाँ दोस्तों, हावड़ा और आपका आसनसोल में होने वाला है, तो वहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में अगर आप वाटर कैरियर से चुनते हैं तो वाटर कैरियर में क्या होना है, मेन काम है आपका खाना बनाना, यानी कि रोटी बनाना। तो रोटी बनाने में क्या होता है, आपको पता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में ऑब्वियसली लड़कियां हमेशा घर का काम ज़्यादा करती हैं, तो उनके पास जो है नॉलेज ज़्यादा होता है। बट दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि एग्जामिनर जो है कॉन्स्टेबल, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है जो हमने कपूरथला और दिल्ली से लिया है, वहाँ पर क्या हुआ कि लड़कों और लड़कियों में ज़्यादातर जो है लड़कियों को क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों का क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है और उनसे काम भी ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है इस काम में निपुण होती हैं, यानी कि उनका ये ऑलरेडी काम होता है। मोस्टली लड़कियां जो है घर का काम करती हैं, तो लड़कियां मोस्टली जो है घर पे क्या करती हैं, कुकिंग का काम करती हैं, यानी मोस्टली खाना बनाने वाला जो ज़्यादा नॉलेज है वो ऑब्वियसली लड़कियों को ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बॉयज़ के अपेक्षा ज़्यादा काम करती हैं घर पर। बट ये काम यहाँ पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बराबर का मौका मिलता है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है आरपीएफ की, यहाँ पर आपको दोनों को ही बराबर का मौका दिया जाएगा। बट दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, जो कपूरथला और दिल्ली में हुआ वहाँ पर जो है अगर 400 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वहाँ उसमें से सिर्फ 3 और 4 लड़कियाँ स्टूडेंट जो है लड़कियाँ हैं, यानी कि बाकी सभी लोग लड़के हैं, यानी कि सिर्फ 3 और 4 जो लोग आ रहे हैं, यानी कि अगर आप देख रहे परसेंटेज में तो 1% कह सकते हैं, 100 में 1 आ रहे हैं, 400 में 4 लड़कियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर 4 लड़कियाँ आ रही हैं तो उन 4 लड़कियों में से 1 लड़कियों को ज़रूर चुना जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से लड़कियों को बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने लड़कियों ने फॉर्म भरा है और उनका अगर ट्रेड टेस्ट होने वाला है तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस ये है कि अगर आपकी संख्या 4 से 5 और 10 के बीच में ही है तो वहाँ से आपको जो एक स्टूडेंट जरूर मिल जाएगा, यानी कि 1 गर्ल्स को उनको सेलेक्ट करना ही है, तो वो जो है कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। मैं आपको दिल्ली का एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मुझे जो है एक मैसेज आया था जिसमें मुझे उसमें एक्सपीरियंस बताया गया था, उन्होंने अपना दिया था कि सर, लड़की जो थी वहाँ पे 3 लड़कियाँ आई थी कपूरथला में, और उनमें से जो है 1 लड़की को ऑमलेट बनाने के लिए कहा गया, तो उसने कहा सर मुझे जो है हमारी फैमिली जो है बिलोंग करती है वेजिटेरियन से, तो हम आमलेट नहीं बना सकते, तो उसको वहाँ से ही सीधा बाहर का रास्ता दिखा देगा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको खाना बनाने के लिए जो भी कहा जाएगा, जैसे कि आमलेट बनाने को कहा गया तो आपको बनाना होगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन यहाँ से कोई संबंध मत रखना। तो ये हो गया। दूसरा काम लड़कियों को जो दिया गया था, 1 लड़की को बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए दी गई थी, दूसरी लड़की को भिंडी की सब्ज़ी, और जब इनका भिंडी का सब्ज़ी कंप्लीट हो गया और इनका बैंगन का, फिर इनको वापस दिया गया काम रोटी बनाने का, और फिर इनको दिया गया आटा सानने का। फिर इसी प्रकार जो है दोनों को जो है एक एक काम बढ़ाते गया, एक को फिर बैगन की सब्ज़ी बनाने का, फिर एक को दाल बनाने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार जो है लड़कियों को जो ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा जो वर्क होता है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, यानी कि अगर लड़कों को 2 से 1-3 काम में सेलेक्ट कर लिया जा रहा है तो लड़कियों को सेलेक्ट करने से पहले उनको ऑलरेडी 3 से 4 काम करवाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो कपूरथला में हुआ था वहाँ पर हुआ क्या कि पहले तो उनसे सब्ज़ी बनाने के लिए कहा गया, उसके बाद उनसे वो रोटी बनाने के लिए कहा गया, उसके बाद उनसे तीसरा काम भी लिया गया आटा सानने का कहा गया, फिर चौथा काम उनसे क्या किया गया, फिर से उन्हें दाल बनाने के लिए कहा गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं 4 काम लिया गया, तब जाके जो है उन 3 में से 1 लड़की का सिलेक्शन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन लड़का और लड़की के बीच में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है इस टेस्ट में। तो यहाँ पर अगर 4 से 5 लड़कियाँ आती हैं तो ऑब्वियसली उनके पास मौके ज़्यादा हैं सिलेक्शन पाने के, क्योंकि उनमें से 1 लड़की का तो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन बॉयज़ के लिए आप समझ सकते हैं 300-400 प्लस में अगर स्टूडेंट्स हैं वहाँ से आपको सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार बॉयज़ का पास होने का जो प्रतिशत है वो सिर्फ 1% या 2% है, यानी कि 1% से 2% के बीच में जो है बॉयज़ की जो है परसेंटेज है पास होने की, वहीं लड़कियों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुत कम।
तो इस प्रकार लड़कियों की संख्या कम होने से उनका जो पासिंग परसेंटेज होता है, जैसे कि बॉयज़ का अगर मैंने 2% बताया तो लड़कियों का जो परसेंटेज हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 50% प्लस में। जी हाँ दोस्तों, 50%+ में यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा चांस है पास होने का। तो इस प्रकार बॉयज़ और गर्ल्स में जो है ज़्यादा फ़ायदा किसका हो रहा है देखा जाए तो इनडायरेक्टली लड़कियों को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनकी संख्या कम है तो उनका सिलेक्शन का परसेंटेज ज़्यादा है। तो हम अगर पासिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि लड़कियों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 50% हो रहा है पासिंग का, और लड़कों का सिर्फ 2-3%। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी नोटिस करनी है कि जहाँ बॉयज़ को 2 काम के बाद 3रे काम में सेलेक्ट कर लिया जाता है, वहीं लड़कियों को 3-4 काम के बाद सेलेक्ट किया जा रहा है। यानी कि लड़कों को अगर 2 काम दिया जा रहा है सेलेक्ट होने से लिए, तो लड़कियों को कम से कम 4-5 काम दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं काम की जो संख्या, यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आटा सानने से, रोटी बनाने से नहीं होगा। लड़कियों के लिए तो बहुत ही लंबा लिस्ट है, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन इसके बाद भी आपको नेक्स्ट राउंड में जाना होगा। जैसे कि अभी कपूरथला दिल्ली का ये तो बात हो रही है, लेकिन आसनसोल और हावड़ा में जो होने वाला है वो आपको उससे एक बेटर चांस दिया जाएगा। जैसे कि आप हावड़ा में बिलोंग करते हैं तो, और तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो जो डिशेस होती है वो बनवाया जाएगा आपसे, या फिर आप अगर आसनसोल से हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ की जो लोकेलिटी है, यानी कि जो फूड है। आपको मैं सबसे मेन चीज़ ये बता देता हूँ कि आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आपको दोनों को क्या करना है, अपने अपने शहर में यानी कि हावड़ा और आसनसोल के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपका ओरल टेस्ट होगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा। सेकेंड कि हावड़ा यानी जो बंगाल में जो जो फेमस डिशेज हैं उनके बारे में आप नॉलेज ले लीजिए, क्या क्या वहाँ पर मसाले यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार की जो है सब्ज़ियाँ वहाँ बनाई जाती है। इस प्रकार जो है कि आपको अगर वहाँ पर ओरल टेस्ट होगा, जैसे कि कपूरथला दिल्ली में हो रहा था, कि फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा था, वहाँ पे आपको मसालों के नाम पूछे जा रहे थे और सब्जियों के नाम। तो मसाले और सब्जियों के नाम तो आपको वहाँ पर भी पूछे जाएंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि यहाँ के जो मसाले और सब्जियाँ थी वहाँ के लोकेलिटी से डिफरेंस होगी। यानी कि जो मसाले यहाँ पे पूछे जा चुके हैं वो मसाले वहाँ रिपीट नहीं होने वाले, वहाँ पे कुछ न्यू हो गए। न्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप बंगाल में आसनसोल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी टेस्ट दे रहे हैं, आपने उस बिलोंग से जोन से भरा है फॉर्म ग्रुप सी से, तो ऑब्वियसली आपको उस जो जगह का जो है वहाँ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी। आप ये मत सोचिए कि कभी भी अगर आपने इंडिया का जो है अपना इकोनॉमी का फॉर्म भरा है, इकोनॉमिक्स का भरा है, तो आपको कुछ मैथमेटिक्स का सवाल पूछा गया। नहीं, जो भी सब्जेक्ट होता है उससे बिलोंग से ही सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बिलोंग क्या करता है कि ग्रुप सी में आप हैं, आसनसोल और हावड़ा आपका सेंटर दिया है, तो ट्रेड टेस्ट में जो सब्जियाँ होंगी वो कहाँ के बिलोंग करेगी, आसनसोल से या फिर बंगाल से। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको यही बताने वाले हैं कि हावड़ा और आसनसोल में क्या क्या सब्जियाँ जो बनाई जाती है या फिर ज़्यादा फेमस है, कौन सी प्रकार के भोजन बनते हैं, क्या क्या वहाँ की रेसिपीज़ हैं, आपको सारी कुछ नॉलेज देने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम तो दोस्तों आपको ग्रुप सी से संबंधित जितना भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है सभी का एक्सपीरियंस वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो इस चैनल से आप ज़रूर बनी रहेगा दोस्तों। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है और गुड विशेस हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, क्योंकि हमारे लिए दोनों स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही समान हैं। यहाँ पे मौके की बात देखी जा रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की लिहाज से लड़कियों को जो है ज़्यादा मौका यहाँ पे मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी दोस्तों को और सभी स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।